हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आज पुलिस कांस्टेबल वालों का, और आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम जरूर आएगा अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर आज का पेपर हल किया है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से शुरुआत में कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलती है, और आपकी मेहनत को रंग जरूर कहीं ना कहीं पर देखने को मिलता है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो आप लोगों के साथ में फिलहाल ये सितंबर के अंत से जुड़ा था। लगभग 2 महीना मैंने आप लोगों को अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम कराया, हिंदी की क्लास कराई, रीजनिंग की क्लास कराई। तो मेहनत का फल मुझे ये मिला कि आज आपका जो पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पढ़ाए हुए आप लोगों को देखने को डायरेक्टली मिले हैं, और इस तरीके से है जो कि आप लोगों को देखने को मिला है। इस बीच में न जाने कितने अप एंड डाउन्स आए होंगे मेरे साथ। और घर में शादी थी, फैमिली की शादी थी, फैमिली में शादी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को एक दिन भी एक क्लास भी मिस नहीं कराई, चाहे वो अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम हो, रीजनिंग की क्लास हो, या फिर अगर हम बात करें हिंदी की, तो कोई ना कोई वीडियो मैं आप लोगों को देता रहता था और करंट अफेयर भी देता रहता था। हम लोग कभी अगर रिलेटिव में शादी होती है या फिर दोस्त की शादी हो जाती है तो एक दिन मिस कर देते हैं अपनी पढ़ाई का, और वो एक दिन किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी के से चला जाता है हमको अंदाज़ा नहीं आता। लेकिन इस बीच में तबीयत भी ख़राब रही, और इस तरीके से फिर भी आप लोगों को मैंने क्लास देने की कोशिश की और 100% अपना दिया, और मेरी जो मेहनत का फल था वो आज मेरे को अपने आपका जो पेपर है, मैंने तो पेपर नहीं दिया लेकिन आप लोगों का जो पेपर है उसमें बहुत अच्छा मेरे को अपने तरफ से फील हुआ कि हाँ, मैंने जो कराया था वो मेरा 100% था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी अपने अंदर एक जज्बा ला सकते हैं कि आप जिस काम पर लगे हैं ना, उस काम को अगर आप कर रहे हैं और उसमें अगर आप 100% दे रहे हैं तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, चाहे देर में मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आज का जो पेपर आया है पुलिस कांस्टेबल का, आंसर की मैंने करा दी है, आप लोगों ने आंसर की देख ली होगी, और आई होप आप लोगों का अच्छा स्कोर रहा होगा। आप बहुत से बच्चे हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल के मेरे साथ जुड़े थे, और मैं वो लोग मुझे से फ़ोन भी करते थे, फ़ोन में बातें भी करते थे, और मैं उनको बताता था, और उनका पेपर अच्छा भी हुआ है। तो इस तरीके से है जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा फील हुआ जब आप लोगों ने कहा कि हाँ, अच्छा हमारा पेपर रहा, कमेंट आए। तो ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जितना भी स्कोर बना है टेंशन मत लेना, आप लोगों ने जो करना था वो आज करके आगे हैं। अब आपका पेपर पुलिस कांस्टेबल का हो गया है, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड का, बंदी रक्षक का, कन्या सहायक का आपका पेपर होगा। तो आप अब अपना जो बीत गया है उसको याद न करते हुए आने वाला जो कल होगा उसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सके, और किस प्रकार नई रणनीति आज से आप लोग लागू करेंगे अपने लिए, और सफलता का जो है आपका लक्ष्य उसको आप अचीव करने के लिए आप तैयारी करोगे। तो मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पर, और किस तरीके से है अपनी तैयारी को और बेहतर आप लोग कर सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों की क्या भूमिका अदा कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों, अभी हम अगर बात करें तो आज का पेपर की, अगर हम लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा, आप लोगों को रियलाइज़ हुआ होगा कि पेपर का लेवल है जो कि ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें आज के, तो लेवल तो आप लोगों का, लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि टफ लेवल के बनते हैं, और वो हर किसी पेपर में बनेंगे, चाहे आप फोर्थ क्लास का पेपर ले लो या फिर आप पटवारी लेखपाल का पेपर ले लो, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, और उस चीज़ के लिए आप लोगों को कभी मेहनत करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको मेहनत करनी चाहिए 80 नंबर के लिए, 85 नंबर के लिए, 90 नंबर के लिए, जो कठिन क्वेश्चन है 10 नंबर के, 15 नंबर के, उनको अगर आप छोड़ के भी आ जाते हैं तो तब भी आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज पटवारी, लेखपाल और आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है, उनके लिए आप लोग किस तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं, और किस सब्जेक्ट पर है जो कि आप लोगों को कम पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, पूरा चार्ट बना के लाया हूँ बढ़िया तरीके से, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आज के पेपर की, तो हिंदी की अगर हम बात करें,
हम एक एक करके बात करेंगे। हिंदी को हम देख लेते हैं, आज का पेपर कैसा आया था, आने वाले समय में आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 20 क्वेश्चन आए थे और ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा कि शब्द भंडार वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। और जो यूके एसएससी ट्रिपल एससी जो आप लोगों को हिंदी साहित्य कम पूछता था, उसने आज यूके पीएससी ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो हिंदी साहित्य को आप लोग ज़्यादा ध्यान में देने की कोशिश करना। पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड वाले हिंदी साहित्य से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं कि जिस शॉर्ट के माध्यम से, जो शॉर्ट वीडियो आप लोग इस तरीके से फ़ोन को चलाते रहते हैं, उस शॉर्ट वीडियो में आप लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं, कभी सॉन्ग देखते हैं, कभी किसी की फनी वीडियो देख ली, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कि सही हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश की, इस शॉर्ट वीडियो को एक अलग अंदाज से कराने की कोशिश की थी। हिंदी साहित्य में मैंने लगभग हर एक कवि की रचनाओं को मैंने आप लोगों को कराया। एक महादेवी वर्मा का जो भक्तिन वाला है, उसमें भक्तिन जो किरदार है वो, उनका मूल वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी, वो क्वेश्चन मैंने हिंदी साहित्य में नहीं कराया था। उसके अलावा आप लोग अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोगों को हिंदी साहित्य के हर एक वीडियो से कोई ना कोई रचनाएँ ज़रूर देखने को मिली हैं आज। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक मात्र 30 सेकंड की वीडियो से भी आप लोगों को मैंने एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर रखी है। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी की शॉर्ट वीडियो देखें और हिंदी साहित्य को आप अपना अच्छा कर सकते हैं, मात्र 30 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनसे तो अच्छा ही है ना दोस्तों कि आप लोग कुछ ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए कोई रेलिवेंट है नहीं, आप लोगों को वहाँ से कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा आप लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो जहाँ पर से आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए है। तो उस चीज़ को आप देखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम बात करें हिंदी में, तो मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको 30 वीडियो कराई थी, 30 क्लास मैंने आप लोगों को कराई थी। और इस पूरी हिंदी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से 13 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को इस 30 वीडियो और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, यहाँ से मेरी चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिले हैं। और ये हिंदी मैंने आप लोगों को पूरी पढ़ाई भी नहीं थी। मैं अगर रियलिटी की बात बताऊं, 30 क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा हिंदी का सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाया था मैं, क्योंकि अकेले इतना करा पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया था अंतिम के 2 महीने में। लेकिन 30 वीडियो फिर भी मैंने आप लोगों को दी, उसमें से मैंने आप लोगों को 13 क्वेश्चन है जो कि कराने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। आप लोग आने वाले समय में हिंदी की सारी वीडियोस देखें, मैं इस 30 को और आगे बढ़ाऊंगा। ये जो 30 क्वेश्चन, ये 30 वीडियो है मैंने आप लोगों को दे रखी, इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाऊंगा और पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड तक मैं आपका जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करा दूंगा हिंदी का। और फिर आप देखेंगे कि ये जो 13 नंबर आज हमको देखने को मिले हैं पुलिस कांस्टेबल में, ये बढ़ के 15 से प्लस हो जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपना जो भी नोट्स हैं, और अगर आप बात करें हृदय बहारी की बुक में जो शब्द भंडार है उनको याद करने की कोशिश करें, और लूसेंट की बुक में जो शॉर्ट वो है, शॉर्ट ही माइंड में आ रहा, हिंदी लूसेंट में जो भी शब्द भंडार है उनको याद करने की कोशिश करना, आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि मैं पहले ही कह रहा था कि जब मैंने शुरुआत की थी अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में, मैंने जीएस पर ज़्यादा जोर दिया था, उत्तराखंड पर कम जोर दिया था। तो उत्तराखंड आप लोगों ने परीक्षा वाणी से कर ही ली होगी, और आप लोगों को उत्तराखंड का लेवल पता भी चल गया होगा कि उत्तराखंड का लेवल यूके पीएससी में बहुत ही, मतलब एक मीडियम लेवल का पूछा जाता है और ईजी लेवल का पूछा जाता है, हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता उत्तराखंड। लेकिन यूके पीएससी में जो पूछा जाता है, जो उसकी जड़ है, वो है जीएस। जीएस को मजबूत करने के लिए मैंने आपको 45 दिनों का महासंग्राम आप लोगों को कराया था। तो अभी भी आप लोगों से मैं कहूंगा कि 45 दिनों का जो महासंग्राम है वहां से आप लोग जोड़ने की कोशिश करना। महासंग्राम यहां पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा रखा है, 45 दिन पूरे करा रखे हैं। और इस 45 दिन में मैंने आप लोगों को पॉलिटी करा रखी है। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आज पूछे गए हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें, अब हम जीएस में आ जाएं, अगर तो जीएस में 40 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के पूछे गए हैं, और मैंने आप लोगों को जीएस मजबूत करने के लिए 45 दिनों का महासंग्राम कराया था। अगर हम बात करें इसमें पॉलिटी, तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हैं। अगर इको की बात करें, यहाँ पर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन हैं लगभग देखने को मिले हैं, और भूगोल से भी 5 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें करंट अफेयर की,
करंट अफेयर की तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर से देखने को मिले हैं, और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। अगर मैं कंप्यूटर की ही बात करूँ इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, हाँ रीजनिंग, तो रीजनिंग में आप लोगों को 9 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 9 क्वेश्चन वो आप लोगों को देखने को मिले हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों की ये जीएस है जो कि कंप्लीट हुई है, और इस जीएस में मैं अगर आप अपनी बात करूं इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि जो कंप्यूटर की क्लास है 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर के मेरे वीडियो से देखने को मिले हैं, और अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में भी मैंने कंप्यूटर को कराया था, और कंप्यूटर को एक साल पहले मैंने कुछ वीडियो डाली थी, करीबन 5 वीडियो आप लोगों को मैंने कंप्यूटर की करा रखी है। आप लोग उसको भी देखना, प्लेलिस्ट में जाना कंप्यूटर की, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाना, तो आप लोगों को वहां पर से भी देखने को मिलेगा। मैंने वहां पर जब वीडियो का पेपर चल रहा था, वीडियो वीपीडियो करने से आएगा, उस समय आप लोगों को एक साल पहले कराया था। तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, कंप्यूटर में सीपीयू है क्या बदल सकता है? अगर हम बात करें आज या फिर आने वाले 10 साल के बाद, तो सीपीयू तो सीपीयू ही रहने वाला है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट ही रहने वाला है ना। तो मैंने जब एक साल पुराना करा रखा है, तो आप लोग ये क्यों नहीं, ये आप लोगों को ये लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर, आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा कि पटवारी लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही ये वीडियो है तभी आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैंने आप लोगों को वीडियो वीपीडियो का टैग उसमें लगा रखा है, थंबनेल लगा रखा है, आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से भी आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। पुलिस, ये पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड वाले कंप्यूटर की क्लास देखना, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उत्तराखंड में अभी तक, मैं अगर बात करूं उत्तराखंड में मैंने शुरू की है रीजनिंग आप लोगों को बेसिक से पढ़ाने की, और बेसिक से जब मैंने आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाई तो आप लोगों को 9 क्वेश्चन रीजनिंग को देखने के मिले, और जितने भी मैंने आप लोगों को लगभग 18 से 20 क्लास दे रखी है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन इस रीजनिंग की क्लास से देखने को मिले हैं आप लोगों को। मैंने कुछ टॉपिक हैं जो नहीं करा पाया था अंतिम समय में, लेकिन वहां से 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि स्किप हुए हैं मेरी क्लास से, इतना मैं कहूंगा, क्योंकि 100% तो मैंने नहीं कवर कराया था रीजनिंग को, इसलिए मैं कहूंगा कि 6 से 7 क्वेश्चन 9 में से देखने को मिले हैं। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, आप लोग पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड वाले इस रीजनिंग की क्लास को अभी से देख सकते हैं, और 20 ही क्लास तो हैं, कौन सी ज़्यादा हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं इस रीजनिंग को। पुलिस, ये पटवारी लेखपाल वाले अपना जीएस को मजबूत करने के लिए आप लोगों को रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करंट अफेयर के लिए मैं एक बुक आप लोगों को बताता हूँ, स्पीडी करके एक बुक है, और ये स्पीडी की बुक मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड की थी, इसका फ्रंट पेज मैंने कहा था कि 1 महीना पहले मैंने कहा था कि आप लोग इस बुक को खरीद लें, मात्र 120 रुपये की है। हो सकता है किन्हीं लोगों ने मेरा कहना माना होगा और खरीदी होगी, और इस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों ने आज का पेपर में देखा होगा कि इस बुक से आप लोगों के एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को खरीद लें, और इस बुक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने 800 क्वेश्चन की आपको PDF भी दी थी इससे पहले, तो मैंने उस 800 क्वेश्चन में से इन जो करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को उनमें से भी मिले हैं। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा कराने की यहाँ पर कोशिश की थी, और उसमें मैं सफल भी रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लगभग मतलब जितना हो सकता था मेरे से 100% मैंने दी, और आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी मैंने आप लोगों को इंडियन ये 45 दिनों के महासंग्राम में कंप्लीट करा रखी है, आप लोग यहाँ पर से देखना, और आज के पेपर में अगर आप मेरी पॉलिटी से क्वेश्चन देखते हैं तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो अनुच्छेद से लेके हैं या फिर कोई दूसरे क्वेश्चन। उसके बाद इको से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। मैंने आप लोगों को इको की अंतिम समय में 2 से 3 क्लास करा रखी थी, उन 2 से 3 क्लास इकोनॉमिक्स से नहीं क्वेश्चन पूछा गया है मेरी क्लास से, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और ये मानना भी चाहिए अगर कोई चीज़ से अगर आप लोगों का नहीं हो रखा है, तो मैं मानता हूं इस बात को कि इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को जो भी क्लास दे रखी थी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि पटवारी लेखपाल या फिर फॉरेस्ट गार्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है वहां से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने करा रखे हैं।
अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हम कुतुब मीनार वाला क्वेश्चन देखें या फिर जैन धर्म का महावीर स्वामी वाला क्वेश्चन देखें, तो दो तीन क्वेश्चन वहाँ से भी आप लोगों को देखने को मिले हैं और हिस्ट्री मैंने आप लोगों को करा रखी है। दो तीन क्लास और हैं जो कि मैं आधुनिक भारत के अब आप लोगों को दूंगा, तो हिस्ट्री भी आप लोगों की इस 45 दिनों के वाले में ख़त्म करा दूंगा। तो यहाँ पर से आप लोग देखेंगे, अगर जीएस को अगर आप देखते हैं ना, तो जीएस का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ये जो चार सब्जेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा है, इनका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप लोग जो भी पढ़ेंगे हो सकता है वो कम ही हो। मैंने भी आप लोगों को जो भी करा रखा वो भी कम ही पढ़ सकता है, लेकिन हम जीएस को मजबूत करने के लिए ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, इन तीन सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। रीजनिंग अच्छी कर सकते हैं, कंप्यूटर अच्छी कर सकते हैं और करंट अफेयर अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को कम पढ़ना है और ज़्यादा नंबर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 20 नंबर आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे, 20 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? यहाँ पर आना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कम समय में अच्छी तैयारी करने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड वाले, कि रीजनिंग की क्लास आप लोग देखें, अपने तरीके से भी देखें, मेरी वीडियो से भी देखें, प्रैक्टिस सेट भी लगाएं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। अगर कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर यहां से भी देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोग लगा सकते हैं। करंट अफेयर मैं आप लोगों को कराऊंगा आने वाले समय में, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं और अपने तरीके से भी इस बुक से कर सकते हैं, स्पीडी करके है, ठीक है। अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल को भी मैंने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रखी है इस 45 दिनों के महासंग्राम में, तो आप लोगों को भूगोल के भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पर से मिले हैं, तो आप लोगों को रियलाइज़ हुआ होगा जब आप लोगों ने पेपर में देखा होगा और ये 45 दिनों का महासंग्राम से अगर आप लोग जुड़े होंगे। तो इस तरीके से है जो कि हम लोगों ने जीएस भी यहाँ पर की थी, और आने वाले समय में आप लोगों को जीएस में क्या करना है, जीएस को मजबूत करने के लिए अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना अब एक आसान काम नहीं रहेगा, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ाई करना चाहेंगे तो आप लोग इन पर ज़्यादा ध्यान देना, करंट अफेयर, कंप्यूटर और रीजनिंग पर। इन तीन सब्जेक्ट पर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट कम समय में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। इन सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन सब्जेक्ट को अगर कोई एक नया बंदा पढ़ रहा है तो वो कम कर पाएगा, लेकिन जो नया स्टूडेंट है वो उसको इस पे ज़्यादा ध्यान देता है तो शायद मेरे ख्याल से वो ज़्यादा स्कोर कर लेगा। यहाँ पर पुराने बच्चे अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, वो लोग इसको रिवीजन करके अपने तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जीएस को इस प्रकार से अपनी मजबूत करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड की। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये परीक्षा वाड़ी ही है उत्तराखंड के लिए, जो कि रामबाड़ है। और अगर आप परीक्षा वाड़ी को पढ़ते हैं मल्टी टाइम, जितनी बार आप लोग हो सके परीक्षा वाणी को रिवीजन करें, वही आप लोगों के लिए बहुत रामबाड़ सिद्ध होगी। तो मैं ये कहूँगा कि यूके के लिए, उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी ही आप लोगों ने पढ़नी है। परीक्षा वाणी को हो सके तो जितनी बार आप लोग रट सकें रट लें। और मैंने एक साल पहले जब वीडियो की तैयारी कराई थी आप लोगों को, तो उसमें मैंने उत्तराखंड का भूगोल करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है और एक पर्यटन करके प्लेलिस्ट बना रखी है। ये दो प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को 30 से 40 वीडियो, 40 के आसपास वीडियो दे रखी हैं, और इसमें मैंने आप लोगों को भारत का समाज भी करा रखा है, नहीं उत्तराखंड का समाज वाला भी करा रखा है और उत्तराखंड की राजनीति भी करा रखी है। तो आप लोग अगर आज के वीडियो, आज की क्लास, आज का पुलिस कांस्टेबल का अगर पेपर उठा के देखेंगे, तो ये जो मैंने उत्तराखंड की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का पर्यटन, इन दो प्लेलिस्ट से आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री आप लोगों को अभी तक ना पढ़ाई है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर से नहीं फंसे हैं मेरी क्लास से, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है उत्तराखंड की हिस्ट्री। लेकिन मैं अब आप लोगों को सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड की हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को इस आने वाले समय में कराऊंगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को और अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से कहूँगा कि अंतिम समय में है, तो इस समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, रिविज़न करने की कोशिश करें और अपना समय है जो कि नष्ट ना करें। दोस्तों कभी आप लोग किसी की बर्थडे पार्टी में चले गए या कहीं चले गए, इधर उधर घूम रहे, आलतू फालतू की चीज़ें, इन चीज़ों को दूर कर दो। देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक होता है आपका लक्ष्य और एक होता है ये मेन टारगेट है आपका,
ये है टारगेट, ये मेन टारगेट है आप लोगों का, और ये टारगेट है आपका जॉब, ये है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब कौन सी? पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, ये कन्या सहायक वाली। अब इसके साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में चलती रहती हैं, तो वो क्या है आप लोगों के लिए? अननेसेसरी चीज़ है। आप लोगों को क्या करना है? इस लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है, प्राथमिकता। अगर आप लोग अन्य काम छोड़ के इस चीज़ को प्राथमिकता देंगे तो अवश्य ही आप लोगों को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अन्य काम को अगर आप दूसरे तीसरे नंबर पर रखते हैं और वो चीज़ को आप टाइम ना भी दे पाएँ तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इस प्राथमिकता पर आप लगाएं, और आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपकी गवर्नमेंट जॉब। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो फिर हर एक चीज़ है, ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही बात करूंगा कि आप लोग आने वाले समय में किस तरीके से मेरे से जुड़ सकते हैं। आप लोग जुड़ें, मेरे को भी अच्छा लगता है, और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा, और अभी तक कराया है, आगे भी मैं कराऊंगा। और बहुत से बच्चे जुड़े थे, उन लोगों को थैंक यू सो मच, पुलिस कॉन्स्टेबल वाले, आप लोगों से जुड़ के आप लोगों का प्यार मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आने वाले जो आपके पेपर हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, मुझे ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।